प्राइस में हमें मिल जाते हैं। और वैसे भी मैं एक लॉन्ग कोट जो है ना वो ढूंढ रही थी, तो कुछ इंटरेस्टिंग सा मुझे चाहिए जो थोड़ा यू नो इंटरेस्टिंग लॉन्ग कोट चाहिए। ऑलरेडी मैंने लॉन्ग कोट ही पहना हुआ है इस टाइप का, लेकिन वो इतना ज़्यादा नहीं इतना लॉन्ग है मेरा, तो मुझे थोड़ा सा लॉन्ग और थोड़ा सा खुला चाहिए, ये बिल्कुल फिट है। और एक मुझे थोड़ा जो है ना वो इस स्टाइल का जो है ना वो कोट चाहिए जो मैं किसी भी कपड़े के ऊपर पहन सकूँ, तो इसलिए बस अभी मैं देख रही हूँ कोई अच्छी सी जैकेट। क्योंकि ये सर्दियों में आपको पता है कोट और जैकेट सी जो है वो कपड़ों के ऊपर से नज़र आती है, हम जैसे कपड़े वगैरह तो कम ही नज़र आते हैं, जब इतनी ज़्यादा सर्दी होती है तो अब आपको पता है कि वो बंद की होती हैं आगे से जिप वगैरह हमें बंद करते हैं, तो कपड़े तो नज़र नहीं आते, तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि जैकेट कोई मुझे जो है ना वो अच्छी सी मिले, ताकि बाहर आने जाने के लिए एक तो अच्छी अच्छी जैकेट होनी चाहिए। तो हमारा आजकल ये जीन्स का फैशन यहाँ चल रहा है, खुली खुली जीन्स और पॉकेट्स के साथ। मेरे पास भी हैं खुली वाली जीन्स, बट मैं वो कम पहनती हूँ सर्दियों में, तो मैं हमेशा उसको जो है वो अवॉइड करती हूँ, क्योंकि इतनी ठंड होती है, तो इतनी ठंड में इतनी खुली जीन्स बहुत ठंड लगती है। हाँ ये भी इंटरेस्टिंग है थोड़ा, ये स्विमिंग वगैरह के लिए ज़्यादा यूज़ होता है। अगर आप ये देखें इनकी जो है ना यहाँ पे ज़िप के साथ है, स्विमिंग कैप वगैरह के लिए भी या वैसे भी आपने जब जॉगिंग वगैरह करनी है तब के लिए यूज़ होता है, तो ये वाली ज़्यादा अच्छी इनकी जो है ना वो ज़िप वगैरह लगती है। और इसमें कुछ इंटरेस्टिंग जो है वो ये वही जॉगिंग वाले हैं ट्राउज़र्स वगैरह, सारे स्किन फिटिंग, और हम तो ऑब्वियसली इस तरह के नहीं पहन सकते हैं। और चेक वाला यहाँ पे काफ़ी यू नो चलती हैं, और मोटी सर्दियों वाली चेक वाली काफ़ी चलती हैं, तो ये काफ़ी चेक वाले डिज़ाइन आपको नज़र आएंगे, ये 40 में है। और इसको मोस्टली जैसे हम ऐसा जैकेट वगैरह यूज़ करते हैं वैसे ये भी यूज़ होता है, ओपन करके आप इसको जैकेट की तरह यूज़ करते हैं। जस्ट लाइक देखिए मैंने भी जैकेट पहनी हुई है, मैं अभी इसको ओपन ही किया हुआ क्योंकि सर्दी इतनी है, तो जिस तरह ये जैकेट वगैरह मेरे पास ऑलरेडी ये भी लॉन्ग ही है, बट मैं चाहती हूँ एक थोड़ी ज़्यादा जो है ना वो एक लॉन्ग जैकेट हो जाए। तो अभी मुझे कुछ इंटरेस्टिंग स्वेटर्स भी नज़र नहीं आए जो मैं जीन्स के साथ पहनूं, कोई इंटरेस्टिंग कलर नज़र नहीं आ रहा, नॉर्मली ब्लैक कलर है। ये स्वेटर तो अच्छा है बट इसका जो कलर है वो इतना अच्छा नहीं है, कलर है मुझे कोई कलरफुल चाहिए, मतलब ब्लैक तो एक नॉर्मल है वो भी स्वेटर अच्छा है, बट सेम वाइट एंड ब्लैक कलर है, वाइट एंड ब्लैक मेरे पास ऑलरेडी भी वाइट से कलर हैं, तो इसलिए मैं उनको लेना नहीं चाह रही हूँ।
और ये है जनाब कोट, ये भी अच्छा लग रहा है, इट कुड बी इंटरेस्टिंग, बट इसकी पॉकेट्स बहुत नीचे करके हैं, बट ये अच्छा है जैकेट कोट, अच्छा लग रहा है, हैवी हैवी। और आई थिंक इसको देखती हूँ मैं कल परसों, ज़रा टाइम से आऊँगी, वैसे भी अब टाइम भी एंड होने वाला है, तो अभी ट्रायल रूम में गए तो बहुत टाइम लग जाएगा, ट्रायल रूम में भी यहाँ काफ़ी रश होता है आजकल, एक्चुअली क्रिसमस है तो क्रिसमस की वजह से जो है ना वो काफ़ी। और ये हैं जनाब कुछ फैंसी शर्ट्स, जस्ट लाइक जैसे आप स्कर्ट वगैरह यूज़ करते हो तो उसके साथ आप इसको यूज़ कर सकते हो स्कर्ट्स के साथ, ये आपको 20 यूरो तक इसकी प्राइस है, मतलब जैसे हम पाकिस्तान में थोड़े सितारों वाले कपड़े यूज़ करते हैं ये वैसी है, ये है वेलवेट में, बट अब इसका गला बहुत डीप है। प्रॉब्लम ये है कि कपड़े वगैरह हमारे, हमें बहुत देख के लेने पड़ते हैं, यू नो हम तो इस तरह के कपड़े नहीं पहन सकते हैं। ये वाला है अच्छा है, मतलब थोड़ा फैंसी स्टाइल में, लेकिन इसके अंदर भी सेम ऐसा ही, और आई नो कि ये ऐसे फिर ये चुभेगा अंदर से भी अगर सेम ही लेंगे, और इसके बाजू बहुत ज़्यादा खुल रहे हैं, इतने अच्छे बाजू अच्छे नहीं लग रहे। और ये उसके साथ शॉर्ट स्टाइल में भी है, ये छोटी सी है, और ये जो है ना जीन्स के साथ लॉन्ग स्टाइल में, दोनों ही अच्छी हैं। और ये उसके साथ जो है ना आगे मेरा ख्याल आई थिंक ओपन स्टाइल में, नहीं ये ओपन स्टाइल में नहीं है, लेकिन ये भी मीडियम लेंथ में है, तो आई थिंक ये वाला स्टाइल जो है ना वो तीनों लेंथ में अवेलेबल है यहाँ पे, लॉन्ग शॉर्ट और उससे भी शॉर्ट वाला स्टाइल है। थोड़े फैंसी में अगर आपको दिखाएं तो जैसे ये ट्राउज़र, ये जैसे मैंने आपको पीछे शर्ट्स दिखाई हैं वो इस तरह की ट्राउज़र्स के साथ यूज़ होती हैं, देखिए नीचे से ट्राउज़र, इन ट्राउज़र्स के लिए जो है ना वो यूज़ करते हैं, बाकी क्रिसमस आ रही है इन लोगों की, ये भी ऐसे कपड़े पहनते हैं, तो ये ट्राउज़र है, तो इन ट्राउज़र के साथ जैसे पिंक शर्ट लगा ली, उनके साथ वाइट शर्ट पहन ली, सिल्वर कलर के जो हैं यहाँ पे सिल्वर भी ट्राउज़र पड़े हैं अगर आप देखें तो, ये देखें ये सिल्वर ट्राउज़र है, और उसके साथ ये उन्होंने सिल्वर जो है वो मैचिंग की हुई है, ये ब्लैक शर्ट है, और इसके साथ ये ग्रीन कलर भी अच्छा है। अब हम तो इस तरह के ले नहीं सकते हैं, बट अच्छे लग रहे हैं सारे ये फैंसी में। ये वाली शर्ट है, शॉर्ट शर्ट है, ये भी थोड़ी फैंसी स्टाइल में उन्होंने बनाई हुई है, ये देखिए बहुत शॉर्ट सी शर्ट है। हाँ ओके, ये भी एक सितारों वाला है। अब हमारे पाकिस्तान में शायद इस तरह का इतना फैशन नहीं है, लेकिन यहाँ पर ये स्टाइल अभी भी जो है वो इन है, अच्छी ड्रेसिंग है। और ये ग्रीन जो मैंने आपको पीछे शर्ट दिखाई है उसके साथ ये वाली आई थिंक स्कर्ट है, ये स्कर्ट उसके साथ जो है ना वो उन्होंने बनाई हुई है। हाँ भाई मुझे तो अभी तक कोई पसंद नहीं आया यहाँ पे, तो ये था एक छोटा सा H&M का विज़िट, अभी और भी बहुत सारे लगे हुए हैं, वो कलर अच्छा लग रहा है पिंक में, लेट्स सी, थोड़ा शाइनिंग वाली शर्ट लग रही है। ये स्वेटर थोड़ा क्यूट है, बट पिंक है, बेबी पिंक कलर, और लेंथ भी इसकी बिल्कुल ठीक है, बट आई थिंक ये भी अंदर से भी इसका सेम स्टफ है, और ये भी चुभेगा, इसके नीचे ज़रूर हाई नेक पहननी पड़ेगी, और वो भी फुल बाजू वाली, ताकि ये बाजू से भी तंग ना करना पड़े। और ये हैं कुछ एग्जॉटिक कलर्स के, जैसे रेड डार्क पिंक कलर के ड्रेसेस हैं, और ये भी फैंसी ड्रेस है, थोड़ा कमर से चुनर्स के साथ है। और यहाँ पर हैं कुछ सिल्क के कोट हैं, ये सिल्क का स्टफ है ये, और ये भी 40 यूरो में यहाँ पर अवेलेबल हैं। और ये थोड़ी डल से कलर कह सकते हैं हम, जिसमें ग्रीन सा ग्रे सा मिक्स सा कलर है, कुछ स्वेटर्स वगैरह हैं अच्छे से, ये सिंपल शर्ट्स हैं जो नीचे से भी हम पहन सकते हैं, और ये लोग तो ऐसे भी पहन लेते हैं, तो ये वो हैं पुलोवर्स की तरह। ये एक स्वेटर लगा हुआ है ब्राउन कलर में, यू नो तो बस ये था, मतलब H&M पे मुझे तो फ़िलहाल ये नज़र आया, ऊपर वाले पोर्शन में अब मैं जा नहीं सकती हूँ, इतना टाइम हो गया, काफ़ी टाइम हो गया। तो यहाँ पर जो है वो क्रिसमस की अच्छी डेकोरेशन की हुई है,
ये क्रिसमस नेस्ट वहाँ पे अच्छी ऊपर, अभी तो फुल डेकोरेशन नहीं हुई लेकिन काफ़ी डेकोरेशन हो चुकी है, और यहाँ पर जो है वो काफ़ी रश भी है, काफ़ी ज़्यादा डेकोरेशन है और रश भी काफ़ी ज़्यादा है। क्रिसमस की वजह से लोग काफ़ी शॉपिंग कर रहे हैं, फिर आगे क्रिसमस हॉलीडेज जब हो जाती हैं तो फिर यू नो लोग एक दूसरे के घर जाते हैं या इधर उधर घूमने फिरने जाते हैं, घूमने फिरने जाने के लिए भी उन्हें जो है वो शॉपिंग वगैरह की ज़रूरत होती है, तो इसलिए भी फिर वो लोग जो है वो आजकल में बहुत ज़्यादा शॉपिंग वगैरह हो रही है। और लेकिन काफ़ी रश वगैरह है, आप देख सकते हैं।